हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। मिले सोनी डिजिटल मार्केटर, आज हम आ गए हैं ब्लॉगिंग मार्केटिंग कोर्स के कंप्लीट सीरीज में। लेसन 7, नाउ बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉगिंग, यानी कि जानिए ब्लॉगिंग के फायदे। कंप्लीटली आज हम बात करेंगे कुछ की पॉइंट्स और आज हम समझेंगे ब्लॉगिंग के फायदे क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं। देन इसी तरीके से जब हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं या फिर आप एक ब्लॉगर्स बनना चाहते हो या आप डिजिटल मार्केटिंग में ब्लॉगिंग करना चाहते हो, जो पार्ट टाइम इनकम यहाँ से आप जनरेट करना चाहते हो जिसके थ्रू आप अपने लिए पैसिव इनकम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, तो चलिए इन बेनिफिट्स को समझते हैं कि ब्लॉगिंग करने के क्या फायदे होते हैं जिसके लिए हमें ब्लॉगिंग करना चाहिए। तो कम्प्लीटली हम बात करेंगे ब्लॉगिंग के फायदे के बारे में, जिसके थ्रू कम्प्लीटली हमें पता चलेगा कि आखिर में ब्लॉगिंग करने से हमें क्या क्या चीजों के फायदे होते हैं। तो फर्स्ट है, यू कैन मैनेज योर ऑनलाइन आइडेंटिटी एंड बिल्ड ट्रस्ट, यानी कि आप इजी तरीके से मैनेज कर पाओगे ऑनलाइन आइडेंटिटी को और अपने ट्रस्ट को बिल्ड कर पाओगे। अक्सर कहा जाता है दोनों ही लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन भी होते हैं या जो बिजनेस में अपनी इन्फॉर्मेशन को देते हैं, टाइम टू टाइम पोस्ट करते हैं और साथ साथ ये भी बताते हैं कि लोग आपके इस बिजनेस के हिसाब से क्या ज्यादा चीजें सर्च कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के हिसाब से क्या चीज सर्च आ रही है और ब्लॉग उस चीज का एडवांटेज ले लेते हैं। कहने का मतलब यही है कि पूरी चीजों को ऑनलाइन कंट्रोल अगर करना है, हमें आइडेंटिटी लानी है ऑनलाइन तरीके से हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में, या फिर आप एज ए ब्लॉगर बन गए किसी प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में, इसलिए तरीके से लोगों को ज्यादा ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और बहुत सारा उन्हें फायदा दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक ब्लॉगर्स के लिए एक ऑनलाइन आइडेंटिटी तो बनी जाती है और साथ साथ एक ऑडियंस के बीच में साथ ही साथ एक बढ़िया तरीके से ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। तो आप कंप्लीटली यहाँ पे एक बढ़िया बेनिफिट हमें ये मिल जाता है कि हम इजिली तरीके से अपने ऑनलाइन आइडेंटिटी को मैनेज कर सकते हैं और अपने ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हैं। सिंपल सी बात, अगर आप सर्विसेज दोगे सही वैल्यू के साथ में तो आपका ट्रस्ट बिल्डअप होगा, लॉयल्टी बढ़ेगी और साथ साथ आपके ऑडियंस या आपके कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सेटिस्फेक्शन मिलने के बाद कम्युनिकेशन क्रिएट होगा और जिसके थ्रू इजीली तरीके से आपके प्रोडक्ट सर्विसेज की डिमांड बनी रहेगी। नेक्स्ट बेनिफिट्स हैं, शोकेस योर स्किल्स। अक्सर कहा जाता है जब भी आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो आपकी स्किल्स शोकेस होने लगती है, यानी कि ब्लॉगिंग जो एक बेस्ट वे है आपकी स्किल्स को शोकेस करना पूरे वर्ल्ड में, यानी कि जिस भी स्किल्स आपको आती है, जिस जो भी वर्क आपको कम्प्लीटली आता है, किसी भी स्किल्स में आपकी मास्टरी या फिर एक्सपर्टीज है, तो आप अपने पेशेंस को फॉलो करके और कम्प्लीटली एक बढ़िया तरीके से अपने स्किल्स के बारे में लोगों को बता सकते हैं जो ब्लॉग के थ्रू, और यहाँ पे एक सही इन्फॉर्मेशन लोगों को दे सकते हो। जिसका बेनिफिट्स आपको क्या हुआ कि बहुत से ऑडियंस को आप बताओगे और बहुत सी ऑडियंस आपकी बेनिफिट्स को जानेगी और उसको वहां से प्रोडक्ट परचेज करेगी, जिसके थ्रू आपका ब्लॉग पोस्ट तो नेम बढ़ेगा ही और साथ साथ बहुत से लोग आपको फॉलो करने लगेंगे। तो इसी तरीके से बहुत सी स्किल्स हैं जैसे राइटिंग की हो गई, मार्केटिंग, हार्ड वर्क, नेटवर्किंग, ये सभी चीजें ब्लॉगिंग स्किल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इन चीजों का ध्यान रखकर आप इसका बेनिफिट्स ले सकते हो। नेक्स्ट थर्ड बेनिफिट से, ब्लॉगिंग हेल्प्स यू मेक पैसिव इनकम। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आप ब्लॉगिंग की हेल्प से यहाँ पे अपना पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, तो कम्प्लीटली हमें करना क्या होता है, तो यहाँ पे बोला गया सबसे बड़ा ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट जो होता है ब्लॉगिंग का, वो यही होता है कि आपको यहाँ पे अपने पैसिव इनकम जनरेट करने का मौका मिल जाता है। मतलब कि आप अगर कहीं हो भी, आप सो भी रहोगे तो आपका इनकम जो है डेली अर्न होना लगेगा, यानी कि आपकी इनकम हमेशा बढ़ती रहेगी, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपका एक पैसिव इनकम आने का सोर्स जो है कम्प्लीटली आने लगेगा। तो ये सोर्सेज जो आने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे कौन से ब्लॉगिंग जिनको हम शुरू कर सकते हैं जिसके थ्रू हम कम्प्लीटली अपनी पैसिव इनकम को जनरेट कर पाएंगे। अगर आपको अपनी पैसिव इनकम जनरेट करनी, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ब्लॉगिंग में अपने पैशन को फॉलो कीजिए, देन इसी के साथ आप एफिलिएट मार्केटिंग यूज कर सकते हैं, उसमें अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं और एक बढ़िया तरीके से ब्लॉग पर एडवर्टाइजिंग का प्लेस भी लगा सकते हो। तो इस तरह से आपको बहुत से बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे पैसिव इनकम तो आप ब्लॉगिंग से इजीली तरीके से ला सकते हो। फोर्थ बेनिफिट से, हेल्प यू इंटर नेटवर्क विद अदर्स। आप कम्प्लीटली यहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस के साथ साथ अदर लोगों से भी एक हेल्प करते हैं उनका नेटवर्क बनाने में, और नेटवर्किंग आज के टाइम पे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल्स होती है जो आप अपने लाइफ में बिल्डअप करते हो। नेटवर्किंग की अगर पूरी बात करें तो एक रिलेशनशिप बनाई जाती है अदर्स, यानी कि ऑडियंस और एक बढ़िया तरीके से कस्टमर के बीच में। तो आप यहाँ पे कम्प्लीटली अगर बढ़िया तरीके से ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो, यहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन देते हो प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में, कम्प्लीट रिव्यू देते, तो आपको यहाँ पे बेटर रिलेशनशिप मिल जाता है और साथ साथ आपका ट्रस्ट भी बिल्डअप होने लगता है। जब भी आप नेटवर्क स्टार्ट करते हो बहुत से लोगों के साथ, तो आपको यहाँ पे अपना एक वेब कॉन्टेक्ट मिल जाता है और आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन, एडवाइस या अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रोवाइड करते हो, जिसके थ्रू और ज्यादा ज्यादा लोग आपसे जुड़ना पसंद करते हैं। तो इस तरह से अगर आप नेटवर्किंग की हेल्प करते हैं तो बहुत से लोग मेंटर्स ढूंढते हैं, फ्रेंड्स ढूंढते हैं और अपने बिजनेस पार्टनर ढूंढते हैं, ताकि वो भी अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को एक ब्लॉगर के थ्रू यहाँ पे सेल आउट कर पाए और ज्यादा ज्यादा लोगों का शेयर
कर पाए। तो इस तरह से आपने एक्सपीरियंस के थ्रू यहाँ पे कम्प्लीटली लोगों से चीजें सीख सकते हो और यहाँ पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है जब आप ब्लॉगिंग इस तरह से यूज करते हो। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप नेटवर्क बनाओ लोगों के साथ में, तो बढ़िया तरीके से एडवाइस इन्फॉर्मेटिव नॉलेज कंटेंट के साथ ही उनसे बढ़िया तरीके से आपका बिल्ड जो है ट्रस्ट हो पाएगा। इसी के साथ ही हम फिफ्थ बार पॉइंट पे बेनिफिट्स की बात करते हैं, वो ये है टू लर्न न्यू स्किल्स। आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करोगे तो आप नई नई स्किल्स सीखते जाओगे, जैसे कि आप यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयर को बहुत इजीली तरीके से कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट बना सकते हो और आप नई नई स्किल के साथ साथ एक ग्रेट वे में अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हो। ऐसे बहुत सी फ्यू इनकम है जिनके थ्रू आप बहुत सारे ब्लॉगिंग स्किल्स को इंक्लूड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया वो है राइटिंग। अगर आपको राइटिंग लिखना अच्छा लगता है या फिर आपको लिखने का बहुत ही शौक है, एज ए ब्लॉगर आप यहाँ पे बन सकते हो किसी भी टॉपिक के बारे में या कम्प्लीटली किसी बुक के रिव्यू या फिर किसी भी अलग अलग सर्विसेज के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में आप राइटिंग कंटेंट कर सकते हो। देन इसी साथ कोडिंग भी एक बहुत बढ़िया स्किल्स होती है। आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आपके कोडिंग से रिलेटेड बहुत सी चीजें आपको आने लगती है, नेटवर्किंग बनाना आपको आ जाता है और साथ ही साथ आप एसईओ और मोर आप बहुत सी चीजें यहाँ पे करने लगते हो। ऑर्गेनिक वे में आप अपने ब्लॉग के थ्रू यहाँ पे एसईओ करते हैं जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि आखिर में एसईओ कैसे काम करता है। तो ये बहुत सारी स्किल्स होती है जिसके थ्रू हमें यहाँ पे बहुत सारे फायदे मिलते हैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिक्स बेनिफिट्स है ब्लॉगिंग हेल्प यू विद दी हाई क्वालिटी ट्रैफिक, यानी कि ब्लॉगिंग जो है आपकी हेल्प करता है हाई क्वालिटी ट्रैफिक लाने में। सपोज कीजिए आपकी वेबसाइट भी और ब्लॉग भी और आप चाहते हो कि उस पर बड़े तरीके से ट्रैफिक यहाँ पे कनेक्ट हो, तो आप क्या करोगे ब्लॉगिंग की हेल्प ले सकते हो। कंसिस्टेंटली आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ नई नई पोस्ट यहाँ पे करनी होगी और सही तरीके से कंटेंट को डालना होगा, एक इन्फॉर्मेटिव वे में रिलेवेंट कंटेंट आप डालोगे जो सबसे ज्यादा लोग वाक सर्च करते हैं, तो इस तरह से आपका रिजल्ट जो है सबसे ज्यादा से होगा और एक हाई क्वालिटी ट्रैफिक आपके पास आने लगेगा। जब भी आप हाई रिलेवेंट वे में इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप देते हो जो सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं, विजिट करते हैं आपके ब्लॉग पर और शेयर भी करते हैं उस कंटेंट को, तो आप उसके एनालिटिक्स से समझ सकते हो कि कितने ज्यादा लोगों को इस तरह के कंटेंट को ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप इस तरह से रिलेटेड और भी कंटेंट बना सकते हो, अपने वेबसाइट की विजिबिलिटी भी इससे बढ़ा सकते हो और आपका यहाँ पे दोनों ही ट्रैफिक पर क्या होगा साइट पर ज्यादा ट्रैफिक आने लगेगा। तो इसी तरीके से आप क्या करोगे हाई क्वालिटी ट्रैफिक यहाँ पे क्रिएट करने लगोगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सेवन पॉइंट पर, वो ये है गेट इमीडिएट फीडबैक। ब्लॉगिंग की सबसे खास बात यही है दोस्तों कि सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे तुरंत फीडबैक मिल जाता है, जितने कि आपको वेबसाइट पर भी नहीं मिल पाएगा। तो ब्लॉगिंग में ये बोला जाता है कि हमेशा जो ऑथर है वो हमेशा यही वेट करते हैं कि जब उनका फिनिशिंग मंथ आता है तो वो देखते हैं अपनी रीडिंग बुक रिव्यूज को और वो देखते हैं कि उन्होंने जो भी कंटेंट डाला है, ब्लॉगर्स ने जो भी कंटेंट ब्लॉगर ने रीडर्स के लिए डाला है किस प्रकार से रीडर्स ने रीड करा है या फिर जो भी ऑडियंस है किस प्रकार उन्हें कमेंट करा है, वो पूरी तरीके से सेम डे पब्लिश पे भी देख सकते हैं। तो जिसके थ्रू उन्हें पता चलता है कि किस तरह का फीडबैक आपके ब्लॉग पर आ रहा है, किस प्रकार के लोगों को कंटेंट की जरूरत है। और एक बात और में, अगर आप फीडबैक के थ्रू अगर चलते हो तो बहुत सी ऑडियंस आपको बताती है कि आपको क्या चीज लानी चाहिए और सबसे ज्यादा क्या चीज सर्च हुई, तो इससे भी एक नई आइडियोलॉजी आपको यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी तरीके से ब्लॉगिंग जो है बढ़िया ग्रेड पे होता है, जो हमें फीडबैक देता है, आइडिया देता है हमारे डेवलपमेंट करने का और साथ ही बढ़िया पर्सपेक्टिव हमें यहाँ पे मिल जाता है जिसके थ्रू हम वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपको इमीडिएट फीडबैक यहाँ पे मिलने लगता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेवन बेनिफिट्स, एट बेनिफिट जिसमें बोला गया है यू कैन गेट टेक्निकल नॉलेज। आपको यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज मिल जाता है जिसके थ्रू आप बहुत सारी वोकैबुलरी सीख जाते हो और साथ ही साथ आप टेक्निकल रिलेटेड सिस्टम भी सीख जाते हो, किस प्रकार से टूल्स की हेल्प लेनी है, किस प्रकार के वर्डप्रेस में अलग अलग टूल्स होते हैं या फिर अलग अलग साइट्स के टूल्स होते हैं, जो भी आप प्रोसेस करते हो सेटिंग अप करने को पूरी तरह से ब्लॉग को आप यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज क्रिएट कर पाते हो। साथ साथ एक सेमी ऑटोमेटेड प्रोसेस होती है पूरी तरह से, जो भी आप देखते हो लोग किस प्रकार से समझते हैं, तो ये सभी चीजें आप रेडी इन्फॉर्मेशन से लेके जो भी आप वीडियो ट्यूटोरियल्स देखते हो ये सभी चीजें आपको यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से आपको एडवांस बनाती है। तो ये बढ़िया बेनिफिट हो जाता है जब इस प्रकार के ब्लॉग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेनिफिट की नाइन, वो ये है यू विल रिसीव जॉब ऑफर्स। अक्सर आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं ब्लॉगिंग तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बट मैं चाहता हूँ कि ब्लॉगिंग के थ्रू में कुछ जॉब मिल जाए, तो यहाँ पे आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप यहाँ पे बढ़िया तरीके से आपको ऑफरिंग मिल जाती है। ब्लॉगिंग जो एक बिजनेस रिलेटेड नीच होता है जिसकी हेल्प से अपने जॉब को यहाँ पे आप ला सकते हो, बिजनेसेस रिकॉग्नाइज करता है बेनिफिट्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। अगर आपका कंटेंट मार्केटिंग हमेशा ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड हो रहा है, बहुत से एम्प्लॉय को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखा रहा है अट्रैक्टिव वे में, तो आपको यहाँ पे एक बढ़िया तरीके से ऑफरिंग मिल सकती है जिसके थ्रू आप नए पोस्टर्स या फिर आप जब कम्प्लीटली किसी भी प्रोडक्ट को लेकर आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। तो एज ए नेटवर्क अगर आप अदर लोग नीच लोग मतलब कम्प्लीट
कंप्लीटली बनाते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारी रिक्वायरिटी और आपको ओपन जॉब पोजीशंस मिलने लगती है। बहुत सारी कंपनीज आपको ऑफरिंग करती है और बोलती है कि हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में रिव्यू लिखिए, उसके बारे में एडवर्टाइजिंग कीजिए, तो आपको एक यहाँ पे बढ़िया मौका मिल जाता है जॉब ऑफरिंग का। तो इसी तरीके से आपके लिए भी एक नई जॉब यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं 10, और वो ये है यू विल क्रिएट मोर ब्लॉग और राइट ऑन अदर ब्लॉग्स। यानी कि आप यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो, और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ब्लॉग बना लिया था आप दूसरी बार ब्लॉग क्रिएट नहीं कर सकते। एक वेबसाइट जैसा इसमें काम बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मोस्ट ब्लॉगर्स डोंट स्टॉप एट वन ब्लॉग, यानी कि बहुत सारे ब्लॉगर्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि एक ब्लॉग बना के रख देते हैं उसके बाद उसे छोड़ देते हैं। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी जितनी ज्यादा होगी आपके कामों में उतनी ज्यादा आपको अच्छा और बढ़िया रिस्पॉन्स मिलने लगता है। तो आपको ब्लॉगर्स को ध्यान में ध्यान रखना ये बात है कि जितनी बढ़िया तरीके से आप ब्लॉगिंग बनाओगे, प्रोसेस करोगे उस हिसाब से, तो आपको बढ़िया तरीके से बेटर वे में ऑफरिंग मिलेगी, और साथ ही साथ आप अपने यहाँ पे मनी से रिलेटेड अपनी पूरी चीजों को कम्प्लीटली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो और एक सक्सेसफुल ब्लॉगर्स बन सकते हो। ब्लॉगर जो होते हैं बहुत ही जनरलाइज होते हैं और वो बढ़िया तरीके से अपने नीच को लेके एक स्पेसिफिक ब्लॉग्स यहाँ पे लिखते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा और बढ़िया तरीके से लोगों से कनेक्टिविटी बनानी होगी, शेयरिंग फॉलोअर्स और ऐसे बहुत से आपको यहाँ पे चीजें मिलने लगेगी। तो चलिए 11 बेनिफिट्स है, ब्लॉगिंग कैन गिव यू फ्रीडम। तो इस तरह से हम बात करेंगे, ब्लॉगिंग आपको फ्रीडम बनाता है, यानी कि पूरी तरीके से आपको एक राइट देता है कि आप किसी भी लोकेशन से ब्लॉगिंग बना सकते हो, किसी भी टाइम पर आप ब्लॉगिंग क्रिएट कर सकते हो। आपको ये चांस मिलता है कि जो भी चीज आपको सबसे प्यारी लगती है आप उसे क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ पे आपको बड़ी तरीके से फ्रीडम टू वर्क यहाँ पे मिलता है। देर इसी के साथ अपना टाइम और अपनी फैमिली को दे सकते हो, सपोर्टिंग स्पोर्टिंग एक्टिविटीज कर सकते हो और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के आप पार्ट बन सकते हो। तो ब्लॉगिंग जो होती है बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें फ्रीडम प्रोवाइड करवाती है। इसमें कोई प्रेशर या कुछ भी, अगर हमें सब कुछ भी ऐसी चीज नहीं मिलती जो हमें ज्यादा ही प्रेशर दे, तो ये हम बढ़िया तरीके से बोल सकते हैं कि ब्लॉगिंग जो हमें फ्रीडम प्रोवाइड करती है। चलिए 12 बेनिफिट्स को समझ लेते हैं, और ये है इट हेल्प ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। जैसे मैंने आपको बताया आपकी वेबसाइट के लिए यहाँ पे ट्रैफिक ओरियंट करती है, जिसके थ्रू आपके ऑडियंस को पता चलता है प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में, कम्प्लीटली वो सही तरीके से अपने लिए अपनी सर्विसेज ले पाती है। तो जिसके थ्रू आप कम्प्लीटली समझ पाओगे कि अगर आप बेटर वे में उसके बारे में सही रिव्यू लिखोगे तो ज्यादातर ट्रैफिक वहां पे जनरेट होगा, और बहुत से लोग पे रेट्स को भी लेना पसंद करेंगे। अगर आप बढ़िया तरीके से वेबसाइट पर चला रहे हो और कंप्लीटली यहाँ पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जब ब्लॉगिंग में, तो यहाँ पे ज्यादा चांस होते हैं कि आप बढ़िया तरीके से ट्रैफिक ओरिएंटेड ला सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे 13 बेनिफिट्स, और वो ये है यू कैन रिपर्पज ब्लॉग कंटेंट फॉर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप अपने ब्लॉग कंटेंट को रिपर्पज कर सकते हो, ब्लॉगिंग जो आपके बिजनेस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, और आप इसको डिस्कवर कर सकते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और हर टाइम आप क्रिएट कर सकते हो नए आर्टिकल्स को, क्रिएट कर सकते हो अलग अलग कंटेंट्स को, अलग अलग सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर आप शेयर कर सकते हो, जैसे ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, पिंटरेस्ट, या आपको एक्सपोज कर पाएंगे, आपके बिजनेस को एक्सपोज कर पाएंगे, एक्सपेंड कर पाएंगे, और आपकी ऑडियंस यहाँ पे अलग अलग जगह है जिन्हें नहीं भी पता है, उन्हें भी आपके ब्लॉग्स के बारे में पता चल जाएगा। तो ब्लॉग कंटेंट जो होते हैं बहुत ही हेल्प करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया प्रेजेंस यहाँ पे रखते हो और कम्प्लीटली बताते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने ब्लॉगिंग के बारे में, तो यहाँ पे आपको हायर चांस होते हैं कि आपके रीडर्स या आपकी ऑडियंस बार बार रिटेंशन एरिया यहाँ पे बढ़ने लगता है। इसी के साथ अट्रैक्ट, कन्वर्ट, क्लोज और डिलाइट, ये सभी चीजें यहाँ पे काम करती है। अगर आप सही तरीके से यहाँ पे ब्लॉगिंग क्रिएट करती है तो ब्लॉग कीवर्ड सोशल मीडिया से आपको एक स्टैंडर्ड मिल जाता है, अब कन्वर्ट कर लेता है विजिटर्स को, यहाँ पे आपको फॉर्म्स मिल जाते हैं, कॉल टू एक्शन, लैंडिंग पेज, और साथ ही साथ अगर हमें क्लोज करना है कम्प्लीटली तो ईमेल, सिग्नल्स, वर्क फॉलोअर्स, लीड्स हमें यहाँ पे मिल जाती है। कस्टमर्स को हम डिलाइट कर सकते हैं बड़ी तरह से इवेंट से, सोशल इनबॉक्स और स्मार्ट कंटेंट प्रोवाइड करवा के, जिसके थ्रू हम यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो ब्लॉगिंग के लिए, वो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्यादा प्रेजेंस करो उस चीज को, और ज्यादा ऑडियंस को यहाँ पे दिखाओ। एक बात और ये कहना चाहूंगा कि ब्लॉगिंग जब भी आप क्रिएट करें तो ये ना सोचे कि मुझे वो ज्यादा एडवांस लेके चलना है। आप नाइस एंड सिंपल बनाइए, जितना स्वीट एंड शॉर्ट होगा उतना ही ज्यादा लोगों को पसंद आएगा और कम्प्लीटली आपको एक बढ़िया रिव्यू यहाँ पे मिलने लगेंगे। चलिए 14 बेनिफिट्स है, इट हेल्प कन्वर्ट ट्रैफिक इनटू लीड्स। जैसे अभी हमने वेबसाइट की बात करी थी, अब यहाँ पे आपको लीड्स के लिए भी ट्रैफिक मिल जाते हैं, जिसके थ्रू यहाँ पे बोला भी गया है सर्वे में कि इनफैक्ट 99.9% ऑफ ब्लॉग पोस्ट विल पब्लिश हैव कॉल टू एक्शन बटन यू
should to this how you turn website traffic into lead for your sell teams. यानी कि यहाँ पे बोला गया है जब भी अगर आपको वेबसाइट के लिए ट्रैफिक चाहिए होता है आप लीड जनरेट करते हो तो सबसे ज्यादा लीड जनरेट होती है कॉल टू एक्शन बटन्स के लिए और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बड़ी ट्रैफिक मिल जाती है जिसकी हेल्प से आप अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हो और यहाँ से बड़ी तरीके से अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को आप सेल्स कर पाते हो। तो विजिटर्स आपके वेबसाइट पर आते हैं और इसी के साथ ही वो कॉल टू एक्शन पर जाते हैं जहाँ पे उन्हें फ्री ऑफरिंग यहाँ पे दी जाती है। इसी तरीके से लीड जनरेट होने के बाद विजिटर कॉल टू एक्शन पे क्लिक करता है, लैंडिंग पेज पर जाता है और यहाँ पे फॉर्म को फिल करता है और यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन डाल देता है जैसे कि आप अपने ब्लॉग पर या वेबसाइट पर आप डालते हो कम्प्लीटली एक लीड्स के लिए अपने लिए एक पॉपअप ऑप्शन डालते हो जिसमें कि बहुत से विजिटर्स आते हैं वेबसाइट पर और कॉल टू एक्शन पे क्लिक करते हैं तो एक फ्री ऑफरिंग पे जैसे वो क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एक लैंडिंग पेज ओपन होता है और वहाँ पे उन्हें एक फॉर्म को फिल करना होता है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडीज देनी होती है। इसके बाद आप ऑफरिंग का फायदा ले लेते हो और विजिटर फिल करता है फॉर्म को, सबमिट करता है इन्फॉर्मेशन का और वो फ्री ऑफर्स ले लेता है। तो इस तरह से आपने देखी होगी अक्सर बहुत सी कंपनीज और बहुत सी वेबसाइट यहाँ पे इस तरह से काम करती है लीड जनरेट करने का, जिसके थ्रू एक छोटे से ऑफरिंग के थ्रू यहाँ पे बड़ी तरीके से लीड जनरेट कर लेती है और पूरी तरीके से ऑडियंस का डेटा उनके पास आ जाता है और कम्प्लीटली वो आपसे यहाँ पे ऑडियंस से बात कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बढ़िया एक अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है जिसके थ्रू आप ब्लॉगिंग की हेल्प से ट्रैफिक को जनरेट कर सकते हो और ट्रैफिक को कन्वर्सेशन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट है 15, इट ड्राइव्स लॉन्ग टर्म रिजल्ट, यानी कि आपके रिजल्ट के लिए लॉन्ग टर्म डिवाइड करता है। यहाँ पे बोला गया है जब भी आप ब्लॉग्स को अगर आंसर कॉमन वे में दोगे और रीडर्स को भी कस्टमर्स को भी तो यहाँ पे बढ़िया तरीके से ब्लॉगर्स के लिए हेल्पफुल रहेगा और साथ ही साथ कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है। आप जब वैल्यूएबल कंटेंट देते हो, एक बढ़िया तरीके से आर्टिकल्स देते हो अपने टारगेट ऑडियंस को तो यहाँ पे आपको एक बढ़िया अथॉरिटी के साथ साथ एक बड़ी इंडस्ट्रीज के लीडर्स भी बनाया जाता है, यानी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लीडर्स भी देखते हैं आपके ब्लॉग्स और समझते हैं जिसका ज्यादा बड़ी तरीके से रिस्पॉन्स आता है ब्लॉगर्स का उनको अप्रोच करते हैं। यहाँ पे वो अपने कंपनीज और इंडस्ट्रीज है वो अपने प्रोडक्ट्स को ब्लॉगर्स के थ्रू सेल आउट करवाती हैं क्योंकि यहाँ पे उनको एक बढ़िया चांसेस मिल जाता है कि ज्यादा ज्यादा बढ़िया तरीके से ऑफरिंग हो पाती है। इसी के साथ फैंटेस्टिक वे में अगर मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सी ट्रिप्स होती है हवाई की या जिम जाने की या कई तरीके की हवाली, तो जहाँ पे एक बढ़िया ट्रैफिक अगर आपकी साइट पे होगा तो बहुत सी कंपनीज आपको अप्रोच करेगी और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सेल आउट करने की आपसे बोलेगी। तो ये सभी चीजें होती है जो 80% ब्लॉगर्स होते हैं वो अपने ड्राइव्स अपने ब्लॉगिंग रिजल्ट से ड्राइव्स करवाते हैं। यहाँ पे बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट यही होता है कि ब्लॉगर्स की हेल्प से नई नई कंपनियां उनसे अप्रोच करती है और अपने प्रोडक्ट सक्सेस को सेल आउट करवाती है जिसके थ्रू उनकी भी लीड्स यहाँ पे जनरेट होती है और आपका भी ट्रैफिक यहाँ पे बढ़ने लगता है। आई होप कि आप कंप्लीटली समझ गए होंगे कि किस प्रकार से एक नहीं दो नहीं 15 बेनिफिट्स होते हैं ब्लॉगिंग के और यहाँ पे मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स बताए जिनकी हेल्प से आप कंप्लीटली समझ पाओगे कि ब्लॉगिंग करने के कुछ अपने ही बेनिफिट्स होते हैं। आई होप कि आप कंप्लीटली समझ गए होंगे। बी सेल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।